The Big Show. It's a big man show tonight. The Big Show. The Big Show with decent comedy by Mohammed Hamza. तो बताएं आप लोग, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? जो चल रहा है, जो चल रहा है वही चल रहा है। परेशानी, प्रॉब्लम इतनी। हाँ, आप बताएं। नहीं, गलत बात है। वाले को बोला, पता नहीं उसने बोला था हम आपको अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो हम आपको एक पिज्जा फ्री देंगे। मैंने उधर एक बंदे को खड़ा कर दिया, मैंने बोला यार पहले रोक के रख ले, 5 मिनट ऊपर गए, एक फ्री चाहिए। दोनों वाले तो शायद दो हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं द बिग शो विद डिसेंट कॉमेडी बाय मोहम्मद हमजा। तो चलते हैं। अरे चलते हैं, मीडिया की तरह। और बात करेंगे आज हम हालात पे, तो हालात पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अपना नाम बताएं, माय नेम इज इसामा बिलादिन। इसामा बिलादिन, उस वाले उसामा बिलादिन पे ना जाए, ये उसामा बिलादिन नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। आपका नाम? मेरा नाम मार। हमने तो नहीं सुना। वो अभी वीडियो चल रही है तो सब सुन ही लेंगे। तो हालात पे, मसाइल पे, प्रॉब्लम पे, जो कि सारी चीज़ें एक ही हैं, उस पे हम आज बात कर लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और शुरू करते हैं आज का डिसेंट कॉमेडी शो, क्योंकि ये है बिग शो विद बिगेस्ट मैन। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। ये कॉमेडी शो, आपने इसको सिर्फ मजाक के तौर पे लेना है, कॉमेडी के तौर पे लेना है, ना कि आप कोई पॉइंट आउट करें, ऐसा ही। तो प्रॉब्लम के बारे में बताएं। मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा था, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। बहुत बड़ी? इसकी क्या प्रॉब्लम है आपको दिखा? अरे क्या बम बम निकाल। अच्छा, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपके बीच में पड़ रहा है। शादी से पहले एक दफा फोन घुमा के बिल चेक कर ले कितने का बनता है। पहले काम बनता था। अब क्या मसला हो गया? अब ज्यादा बढ़ रहा है, आबादी बढ़ ली है, महंगाई बढ़ रही है। बोल देते तो अच्छा रहता। खैर आपने बोल दिया, आदि आप गलत लेगा ना। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल सही ले गया कि बिल्कुल सही कॉमेडी, डिसेंट कॉमेडी जो है, डिसेंट कहते हैं। चले शुरू करें प्रॉब्लम के बारे में। चले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रुके परेशानी के बारे में, रुके। तो परेशानी के बारे में आप बताएं। परेशानी इस कदर की है, किस कदर की है? मैं बता रहा हूँ तो आप बिना वजह के बीच में बोल रहे। बीच में कोई ना बोले बिल्कुल भी। बताएं पहले आप बताएं, मौका सबको मिलेगा परेशानी की बात बताने के लिए। परेशानी ये है कि परेशानी आजकल के लोग डाइटिंग कर रहे हैं और डाइटिंग तो ऐसी ही कर रहे हैं कि उनको चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में ला के बोलेंगे। मैं आपने कसम खाई कि मैं बीच में ला के बोलूंगा। जब मैं बता रहा हूँ तो आपने बीच में बोलने लग गए। मैं ये बता रहा था कि आजकल के लोग डाइटिंग बहुत कर रहे हैं। डाइटिंग आपको बता रहा था, आप बताएं। डाइटिंग कर रहा क्यों? खा रहे हैं पिज्जा बर्गर, आपने हमें खिलाया। आ रहा है अभी पिज्जा, मैंने पिज्जा वो बोल रहा है पिज्जे का मैंने ऑर्डर किया, बोल रहा अगर 5 मिनट भी लेट हो जाओ ना एक पिज्जा फ्री।
मैंने उससे बेहतरीन हल निकाल दिया, मैंने अपना बंदा ही वहां कोने पे खड़ा कर दिया, मैंने बोला इसको रोक 5 मिनट निकालो और एक मुझे पिज्जा फ्री चाहिए। 5 मिनट तक मैंने बंदा फिक्स कर दिया, 5 मिनट के बाद अगर एक पिज्जा दे रहा है आप 10 मिनट रोके तो पिज्जा आ जाएगी। देखा कर दिए ना भाई, अभी एक फ्री मिल रहा है, एक नहीं दो चाहिए। अभी हो जाएगा वो, दो में डिवाइड कर लेंगे, समझे मार को। आगे हाँ तो बताएं प्रॉब्लम तो आपने बीच में नहीं बोला। अब डिसेंट कॉमेडी बिल्कुल डिसेंट चलनी चाहिए, आप शुरू क्या बताएं प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम ये बताना था, आप वजन के बारे में बता रहे थे कि वजन वजन पिज्जा बर्गर और बाद में वो बोलते हैं पिज्जा बर्गर खा लेते हैं डाइटिंग करते हैं। हाँ डाइटिंग है, डाइटिंग सब खा लिया, पूरे खा लिया, बाद में बोलते हैं डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा खुश है हम उसी के ही हाल पूछ रहे होते हैं और भाई क्या हाल है, और जो बेचारा परेशान है उसका तो हमारे मोबाइल से नंबर भी देने उस टाइम पर बंदा भी डिलीट हो जाता है। बंदा डिलीट हो गया अपने क्या मतलब, अपने पास से डिलीट कर देते हैं नंबर, नंबर डिलीट कर देते हैं, बंदा ही डिलीट कर देता है। मैं कहीं और निकल गया था, आप ज्यादा ऊपर निकलते हैं। हाँ नीचे आ जाते, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। तो हम चल रहे थे अभी उसी के बारे में, तो अब आप आ जाए, आप स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल के बारे में मेरी स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, अच्छी गुजरी। मैं स्कूल में इतनी दफा गया हूँ, इतनी दफा गया हूँ कि एक दफा भी फेल। आप लग रहा है स्कूल गए नहीं बहुत, या मुझे पता था आप यही बोलेंगे। हाँ मुझे लग रहा है, लेकिन प्रमोट मैं गया था, गए थे मगर वो बोला कि लॉकडाउन चल रहा है आपका स्कूल बंद है, प्रमोट पास होगा। तो वजह ये कि बहुत अच्छा है स्कूल लाइफ गुजरी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसेंट शो है तो आपने डिसेंट के हिसाब से किया तो ये अच्छा है। तो जी बताए तो मैं ये आपको बता रहा था स्कूल लाइफ के बारे में। एक अरे आप ऐसी रहे, हमारे सर अक्सर हमारे से पूछा करते थे जैसा कि आपको मालूम है, कुछ भी पढ़ा रहे जैसा कि आपको मालूम है, अब उनको कौन समझाए कि हमें कुछ नहीं मालूम। एक ही चीज पे डबल लाफ्टर आएगा अभी मुझे लग रहा है कुछ। तो स्कूल के बता रहा था, सर बोलते हमारे बेटा जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके बीच में बोलना लाजमी है। बोले बीच में कोई ना बोले, आप भी मत बोलिए। मुश्ताक भाई देख रहे हैं, मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नहीं देख रहे तो भी देख, चले उनको कोई ना कोई दिखाई देगा। चल तो मैं ये बता रहा था, सर बोलते हैं बेटा आपने कुछ किया, हमने बोलता है बहुत कुछ किया, दिखाओ। सर नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाओगे, सर होगा आप समझदार हो ना हमारे साथ। डिसेंट डिसेंट कंपनी जो है तो डिसेंट के हिसाब से ही आप ज्यादा डिसेंट पे चलेगा हैं, आप ज्यादा डिसेंट पे चलेगा, यहीं पे ही है हम लोग तो, हमारा घर से डिसेंट आ रही है। डिसेंट नहीं कॉल कहते हैं इसको, बोला तो आप एक मिनट उठा ले चले बात कर ले।